अपना जगह प्रभु का। हम लोग जहां भी आप लोग हैं, आप लोग खड़े हैं सकते हैं तो रोगी बीमारी लोग बैठ सकते हैं, जो खड़ा नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी जगह में खड़ा रहिए ताकि प्रभु की महिमा आप लोग एक साथ कर सके। Amen. Hallelujah. आकाश वचन पढ़ा रहे सुनाए प्रति प्रभु हम लोग को आशीष दे। हम फिर पढ़ रहे हैं, तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या सात बार? तब इसने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि सात बार तक, वरन सात बार के 70 गुने तक। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया 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 प्रभु, ये तेरा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन तूने आज हम लोग के बीच में रखा है प्रभु, ऑनलाइन और ऑफलाइन और सारे दुनिया भर जहाँ भी जो भी वचन को सुनेंगे प्रभु, तेरी महिमा को लोग कर सके। इस वचन से जो कुछ रहस्य को आज हम लोग के बीच में रखने चाहता है रख, और सुनने वाले लोगों को हर एक जीवन है तो आशीष का कारण बन। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, मेरा बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तू मेरा मुख में होके, मेरा होठों में होके, मेरा जीभ में होके तू बोल, लोग
महिमा तेरी होती रहे यीशु का नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पत्रस यीशु के पास आता है और आते हुए पत्रस यीशु के पास आकर कहता है, प्रभु कितनों बार मैं मेरा भाई को क्षमा करूं, क्योंकि उस समय गुरु लोगों ने, अगुआ लोगों ने सिखाया हुआ था योगी का नियम, तीन बार तक क्षमा करना। कितना बार? तीन बार। तीन बार नहीं मांगता तो उसको छोड़ देना, तीन बार। लेकिन पत्रस यहाँ कर रहा है कितना बार? सात बार। इसका मतलब अपने आप को ज्यादा दयालु दिखा रहे ना, सात बार माफी कर रहे। तब यह क्या होता है सुनिएगा, आज मैं आप लोगों को शीर्षक दिया हूं क्षमा करने का महत्व। मेरा शीर्षक है क्षमा करने का महत्व। 21 पद में जो हम लोग पढ़ चुके, पत्रस प्रभु से पूछता है कि प्रभु कितनी बार मैं अपने भाई को क्षमा करूं जो कि मेरे विरुद्ध में पाप करते रहता है, क्या सात बार? या पत्रस अपने आप को अपन दिखाता है, आर्मिकता में वो अपने आप को दिखा रहा है मेरे प्रियो, बाल में, क्योंकि मैं बोल चुका हूं परंपरा गुरुओं का समय तीन बार ही क्षमा करना था, लेकिन पत्रस यहां सात बार कर रहा है। मेरे प्रिय, एक बार याद कीजिएगा, पत्रस सात बार बोलता, लेकिन यह लगता है, हमको लगता है और आप भी सोच सकते हैं कि अपने आप को जो कर रहा था पत्रस को सही कर रहा, तीन बार का मत बदले, कितने बार माफी कर रहा है? सात बार। अपने आप को सही कर रहा था, लेकिन क्या प्रभु की नजर में सही था? यह सवाल आपके बीच में हम रख रहे हैं। सात बार करना पत्रस को लग रहा था सही कर रहा है, लेकिन प्रभु के नजर में सही था? आपको भी लगता होगा तू सही है, लेकिन मेरे प्रियो अपने आप को जांच लें आप। हो सके आप जो भी कर रहे हैं, मैं एक बार आपको पत्रस का जीवन को जीवन में लेके जाने चाहता हूं। फिर यही जगह में सोच रहा था होगा तीन के बदले सात बार क्षमा करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं सात गुना सत्तर, इसका मतलब 190 बार। सात गुना सत्तर बार भाई को क्षमा करना, इसका मतलब सात गुना सत्तर 190 बार, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं क्षमा करने का। हालेलुया। सात गुना सत्तर 490, इसका मतलब क्या है? 490 का मतलब लिमिट नहीं है, कोई कर सकता उतना, माफी लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु गुरु का शिक्षा के ऊपर में चुनौती दे रहा है पत्रस को, इसका मतलब है कि आप जब भी अपना भाई को माफी करते हैं ना, उसका काउंट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई क्राइटेरिया। कई बार आपको लगता होगा कि अगला व्यक्ति मुझसे क्षमा मांगा ही नहीं, मेरा मुझसे क्षमा मांगा नहीं, मैं कैसे क्षमा दूं। कई बार आप लोगों का जीवन में ऐसा सोच होता होगा, मेरे साथ झगड़ा तो हुआ, मेरा मन दुखाया या उसका मन मुझसे दुखा, लेकिन मुझसे माफी नहीं मांगा, मैं कैसे माफ करूं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको मैं यह बोलने चाहता हूं मेरे प्रियो, आप माफी मांगे या ना मांगे, आपको करना है माफ, करना है क्षमा करना है। इसका चिंता ना करें वो आपको क्षमा कर रहा है कि नहीं, आपका क्षमादान को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, उसको सौंप दें किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। लेकिन आपको आपकी तरफ से क्षमा करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका गलती हो या ना हो, आपको क्षमा करना है, चाहे आपका गलती
हो या ना हो उसी का गलती है, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। जब हम क्षमा नहीं करते हैं ना, बहुत सारी आशीषें हमारा जीवन रुक जाती है मेरे को। बहुत सारी आशीषें जब आप क्षमा नहीं करते हैं, दूसरा का इंतजार करते रहते हैं, तो बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में रुक जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, और हर एक परिस्थिति का आशीष आपका जीवन में रुक जाती है। आशीष का मतलब दूसरा चीज आने लगता। मेरे जीवन में भी बहुत सी अनुभव है अपने व्यक्तिगत जीवन में, मैं वही आपको बताने चाहता हूँ आज। जब मुझे समझ आया मुझे प्रभु की सेवा है, मुझे चुनना है, मैंने शुरू किया, चाहे वो नेपाल का एरिया हो या मधेशिया भाग हो या भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया हो या वेस्टर्न का कोई भी जगह में क्यों ना हो, विभिन्न प्रांत में मैं लगातार ईश्वर के लिए करने का कोशिश करते रहे, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाते जितना मैं चाह रहा था ऐसा करना। तब मुझे मालूम चला मेरे जन्म कुछ तो गलती है, मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं जिसे मैं लोगों को जीत नहीं सक रहा हूं, जैसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग कहते थे ब्राह्मण के बीच में चले जा, मैं सुनाता था, वो लोग सुनते थे लेकिन विश्वास कर नहीं सकते थे। तो मैं सोचने लगा मेरे जीवन में कुछ तो गलती है। जब मैं 2014 में मेरा एक भैया है पास्टर जगदीश मुखिया, उसके साथ हम लोग चले गए नेपाल घूमने, 17 साल के बाद हमको मिला मेरा अब्बा, जिसके द्वारा जिसने मुझे बहुत सारी चोटें पहुंचाई थी, कई बार होता ऐसा, जिसने मुझे संदेश सुनाया, जिसने मुझे हर एक चीज में अगुवाई किया, उसी के द्वारा मेरे बहुत चोट आई थी। मैं चाहते जगह जाने चाहता था वही मंडल में रहकर मैं सेवकाई पर, अभी तक वही थे होंगे पहाड़ में, इसलिए दुख में हो गया, हम उसको छोड़ के हम निकल गए। और निकलने के बाद वो लोग बहुत मन दुखाया, बोलने छोड़ दिया मेरे साथ, तो हम मिलने नहीं चाहते थे। नहीं चाहते हुए भी वो भैया के साथ जाते समय 2014 में उसके साथ मिलना, तब मुझे और मैंने बोले भैया पास्टर जी आप तो मेरे जीवन ऐसा से किए थे जिसके चलते आज आपका जीवन में भी आपका पत्र छोड़ के चले गए, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी हो रही, मैं जो करने चाहता हूँ कर नहीं पा रहा, जो करने चाहते वो कर नहीं पा रहे, जिसका चलते इशारा समस्या हो रहे, क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? उसने बोला भाई मैं तो उसी समय क्षमा कर दी, नहीं मैं भी थे लेकिन हुआ नहीं, अभी मुझे क्षमा भैया। तो हम लोग दोनों प्रार्थना करने लगे, रो रो के प्रार्थना की, वापस आने के बाद मेरे जीवन में डाल डाल दिया ना, 2015 से दरवाजा खोला और 2015 अपना जीवन में प्रभु का कार्य को देखने लगे। तब मुझे मालूम चला मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वर के खातिर, जो भी मेरे जीवन से हो रहा है वो अभी अच्छा है। तब मुझे सीख मिला क्षमा करना, क्षमा लेना और देना बहुत जरूरी है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे गुरु और शिष्य के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में क्यों ना हो, आपको क्षमा करना होगा और आपको क्षमा देना होगा। मेरे प्रियो अभी आप लोग जानते हैं मेरा अपना जीवन में, मेरा अपना सेवकाई में भी, अभी आपको मालूम है हम अकेले सेवकाई कर रहे थे, तो अभी 8-10 जन टीम के साथ मिलकर हम लोग सेवकाई कर सकते हैं और बहुत सारी जगह में प्रभु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रिय कई लोगों को तो यह क्षमा नहीं करने का कारण वो लोग डिप्रेशन में पहुंच गए, डिप्रेशन जानते होंगे आप लोग, कई लोग बीमार का अवस्था में पड़ गए, कई लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं। जब आप क्षमा करोगे आपका दिल साफ होगा मेरे प्रियो, आप प्रभु का आवाज को सुनने लगोगे, आप प्रार्थना करने लगोगे, आप दुआ में
बैठ जाओगे आप वचन पढ़ने लगोगे और प्रभु का आवाज को सुनने लगोगे। जब आप दूसरों को क्षमा करोगे और अपने आप को क्षमा ग्रहण करोगे तो हालेलुया। और यहाँ फिर यीशु कहते हैं 23-35 तक, सुनिए हम सब रिपोर्ट है 23-35 यहाँ बोलता, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ भी उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसकी संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, गृहस्थ मैं सब भर दूंगा। उसने न माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वह वहीं रहे। उसके संगी दास जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की और मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। हालेलुया, प्रभु की महिमा। प्रभु वचन पढ़ाया सुनाया प्रति प्रभु आप पर मुझे क्षमा करें। मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं एक दास ने लगभग 10,000 तोड़े अभी का उसमें तो 1 करोड़ रुपया बराबर का होगा, 33 किलो सोना का सामान कर्जा था, 33 किलो गोल्ड का सामान कर्जा था, लेकिन वो चुका नहीं सका था। तो स्वामी ने बोला, इसका पत्नी को बेचो, इसका सारा चीज को बेचो और कर्जा लेके चुका लो। लेकिन ये गिड़गिड़ाने लगा और स्वामी तरस खाता है और उसका हर एक चीजों को क्षमा कर देता है। पहला वाला दास को देखिए, उसका माफी हो गया, लेकिन यही दास अपना माफ होने के बाद जाता है, जाने के बाद उससे 100 दिनार, इसका मतलब 100 दिनार एक दिन का मजदूरी, सोचे 400-500-600-800 गवर्नमेंट का जो है, एक दिन का मजदूरी बराबर उससे लिया गया था और उससे लिया गया एक दिन बराबर का मजदूरी दूसरा उस दास से लिया हुआ, जाके घोड़ा घोड़ के बोलता मेरा मजदूर को वापस दे दे, मेरा पैसा को वापस दे दे। और ये गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन ये सुनने वाला नहीं, इसको लगे जेल खाने में डालते। इसका मतलब क्या है मेरे, इसका मतलब कई बार आप माफ को चाहते हैं, आप चाहते हैं माफी, लेकिन आप तय दिल से माफ कर नहीं सकते, कारण आपको बंदी गृह में ऐसा बैठने की बात नहीं है, आपको हर एक प्रकार का टेंशन, टेम्पटेशन, हर एक प्रकार परीक्षाएं, हर एक प्रकार नकारात्मक सोच विचार आपका जीवन भर जाता है। यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन में आके अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि रीजन एक ही है, माफी नहीं चाहता है अपना, लोग मुझे माफ करे, लोग मुझे प्यार करे, लोग मुझे सराहे, लेकिन वो दूसरा करने नहीं चाहता। मालूम है दूसरा तरफ जो दास 33 किलो सोना माफ किया हुआ लोग, वो आगे दूसरा जो कि 100 दिनार होता है, इसका मतलब लगभग एक दिन का मजदूरी मांगने लग, मांगते समय भी वो माफ नहीं करता और उसे बंदी गृह में डाल देता। इसका संगी दास जो देख रहे थे, इसका तो इतना 33 किलो सोना बराबर का माफ हो गया, एक दिन का मजदूरी माफ नहीं कर रहे। मालिक को जाके बोलने के बाद मालिक गुस्सा नहीं हुआ,
इसका इतना ज्यादा माफी किया और ये तो कितना भी माफ। मेरे प्रियो यही होता है। आज मैं आपको यह बोलने चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है ना, आपको आप क्षमा तो चाहते हैं, लोग आपको क्षमा करे, लेकिन आप क्षमा नहीं कर सकते। मुख से बोलते हैं क्षमा होगी, सरी बोलने में कितना कठिन होता है। हम लोग बच्चे लोगों में देखते हैं ना, सरी बोल बोलना पड़ता है, नहीं गाय बोलेंगे सरी उसका गलती है। हम लोग बड़े भी वैसे ऐसे परिस्थिति में हम लोग बड़े बन गए, ऐसे ही में बड़े बन गए। सरी पड़ोसियों को सरी बोल नहीं सकते हम लोग, मेरा बच्चा का गलती है सॉरी, बच्चा लोगों का गलती हम गाय सॉरी बोले, ऐसे समाज में हम लोग देखते। अभी सोचे यदि आप ऐसा करते, क्षमा चाहते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते, तो आपका जीवन अशांति में बीत जाता है। आपके पास परीक्षा हो, बाल बच्चा हो, आपका नौकरी हो, लेकिन आपका जीवन शांतिमय नहीं होता, आपका सब कुछ होते हुए शांति नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप क्षमा दे नहीं सकते। बाइबल कहती है ना, आप जो जैसे दूसरों के आपके साथ चाहते हैं ना, वैसे दूसरों को करें। आप क्षमा चाहते हैं तो आपको दूसरों को क्या करना है, क्षमा देना है मेरे को। इसीलिए नहीं तो वही जैसा होता, मालिक तो तरस खा के क्षमा कर देते लेकिन वो क्षमा कर नहीं सकता। हम लोग भी अपना तो माफी बोल दिए, मुख से माफी कर लिए, बाद में कोई आके उसको मारा, ठीक है ऐसे ऐसे था वो, ऐसे करने वाला था। अरे भाई तूने माफी किया तो दिल से माफ किया, भूल गया ना, गलती सारा ढक जाता है माफ से। कई पति पत्नी परिवार टूट जाता है ये एक छोटा सा शब्द माफी करना नहीं सकने का चलते। पति उस चीजें टीवी टूटा देता है, पत्नी आके पति का 50,000 का मोबाइल टूटा देती है, माफी का मतलब नहीं है। और जिसका चलते घर में कल टीवी का टीवी 50,000 खर्चा, मोबाइल 25,000 खर्चा, 75,000 लॉस हो जाता है। इसके बदले वह पति टूटा दिया, ठीक है जी सॉरी बोलने से 25,000 का सेव हो जाता। मालूम है एक छोटा सा गलती माफी नहीं करने का चलते पूरा परिवार में डिवोर्स, आज डिवोर्स क्यों हो रहे है पति पत्नी में, पापा मम्मी में क्यों हो रहे है, क्योंकि माफी एक दूसरे में नहीं कर सकते। घर मालिक और किराएदार में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग माफ कर नहीं सकते। मालिक आज किराएदार है तो हम लोग भी तो कोई जगह मालिक है ना, हमारा घर में भी तो ठुकराते हैं ना, सोचना चाहिए लेकिन हम लोग सोच नहीं सकते। इसीलिए हर एक प्रकार का चीज आप और मेरे जीवन में आते मेरे प्रियो, लेकिन आज आपको सोचना होगा। कई बार आप क्षमा तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन में उसके प्रति घृणा होते रहता है, क्योंकि आपने दिल से उसको क्षमा नहीं किया। मेरे प्रियो आज क्षमा दान, क्षमा करने का महत्व में मैं आपको बता रहा हूं। आपको चंगा पाना है, आपको अपना जीवन में शांति पाना है, अरे झगड़ा झगड़ा से आपको मुक्त होना है, तो आज से क्षमा करने सीखें। चाहे मेरा अगला वाला व्यक्ति मुझे क्षमा करे ना करे, मेरा गलती नहीं था तो भी मैं क्षमा आज से करूं। हालेलुया। मेरे प्रिय आज मैं आपको यह बोलूंगा, जब आप अपना जीवन में क्षमा करने का हैबिट रखेंगे तब तो आपका जीवन आशीषित होगा। हम लोग का मंडली में आप देखिए आने वाला दिन जब आप क्षमा करने शुरू करेंगे मेरे प्रियो, चाहे वो चाहे अपन और चाहे जहाँ के जो भी मैसेज को सुन रहे हो आप लोग सुने, क्षमा करने शुरू। यदि आपका जीवन पैसा कौड़ी आपके पास है, बाल बच्चा है, आपका नौकरी है, लेकिन आपको शांति नहीं है, तो आज सोच ले और क्षमा करने शुरू करें। आज क्षमा करने शुरू करेंगे ना, प्रभु आपका जीवन आशीष देने शुरू करेगा, आपको शांति में रखेगा, आपका खराब सोच खराब विचार खराब चीजों से आपको छुटकारा देगा। और क्षमा नहीं करने से अपना बाल बच्चा का नेगेटिव सोचने लगेगा, अपना पति पत्नी को नेगेटिव सोचने लगेगा, और सारा चीज नेगेटिव, लोग नेगेटिव बन जाएंगे, खत्म परिवार। इसलिए आज से उसको ये नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए, परिवार को शांति में रखने के लिए, डिप्रेशन से हम लोग शुद्ध ठीक होने के लिए, रोग बीमार से बचने के लिए, हर एक प्रकार झगड़ा झगड़ा से बचने के लिए आज से क्षमा करने शुरू करें। हालेलुया। क्षमा करने जब हम लोग शुरू करेंगे प्रभु आप और मेरी जीवन आशीष करेगा। मैं आप सबों को यही बोलता हूँ कि क्षमा करेंगे तो सारा चीज आप और मेरी जीवन आता है।